भगवान दाऊदयाल तो हमारे कृपाल हैं ही, सबके लिए हैं, नंदलाल सबके लिए हैं। पर जरा कभी विचार तो करो भैया कि नंदलाल और दाऊदयाल भी जब आए पृथ्वी पर अवतार लेकर के, तो वो भी सांदीपनी मुनि के आश्रम गए और उनके भी कुल गुरु हैं, उनके जीवन में भी गुरु हैं। भगवान को गुरु की क्या जरूरत है? He is almighty, वो तो सर्व समर्थ हैं, उनको क्या जरूरत है? तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग के आचरण जैसे होते हैं वैसे ही सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर उनके कदम गड़बड़ हो गए, यदा चरति श्रेष्ठाः तत्तदेवे तरो जनः सयात् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान को पता है अगर हमने ये न किया तो सब कहेंगे अरे हम तो यहां गए, हमको गुरु की क्या जरूरत है, गुरु फुरु अपना देखें। और अर्जुन तो बेचारा कह रहा है कि तुम भगवानों हो, हमारे ममेरे फुफेरे भाई भी हो, हमारे फास्ट फ्रेंड भी हो, और तो और हमारे साला भी बन गए हो, तब बहु काम नहीं चल रहा है। बोला कब काम चलेगा? बोला शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य आप मेरे गुरु, तब बात बनेगी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए जीवंत भगवान लिविंग आइडियल को गुरु रूप में मान करके अर्जुन गीता का ज्ञान ले रहा है। और इसलिए हनुमान चालीसा भी ये कह रहा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। इसलिए दशरथ जी के ऊपर जब कुछ भी हो रहा है तो गुरु गृह गयउ तुरंत महिपाला। ये कहेंगे दाऊदयाल का कथा करने आया है कि गुरु का कथा करने आया है? तो कोई दाऊदयाल नहीं मिलेंगे आपको गुरु विहीनों को। तो अभी ध्रुव जा रहे हैं, भगवान ने कहा देख ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा है, जा रहा है तपस्या करेगा, मैं मिलने वाला हूं नहीं। बोला क्यों? नारद जी ने कहा, बोला निगुड़ा है, जाओ जाओ उसके कानों में कुछ ऐसे मंत्र दे दो, कुछ ऐसी विधियां बता दो कि छोटा बालक है जल्दी हमको प्राप्त कर ले। अब सुनो, लोग कहते हैं गुरु करो जान के, लेकिन ध्रुव गुरु प्राप्त करने नहीं निकले हैं, ध्रुव निकले हैं अपनी मैया के कहने से हरि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हरि के प्रति तुम्हारे हृदय में लालसा हो तो गुरु खोजने की जरूरत नहीं, गुरु तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो जाएगा। रास्ते में नारद खड़े हो गए। अब खड़ा होकर बोला रुक जा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? छोटा लड़का है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है? अच्छा तेरा बाप मेरा चेला है, चिंता मत कर, चल मैं सुलह करवा देता हूँ, उत्तानपाद मेरा चेला है, चल मैं चलता हूं तुझे लेकर के। गद्दी चाहिए वो भी मामला बना दूंगा, गोद चाहिए वो भी मामला बना दूंगा। ध्रुव ने कहा कि हे महाराज, अब जब रास्ते पर निकल गए तो लौटाओ मत, प्रभु के रास्ते में निकल गए लौटाओ मत। सब बातचीत हो गई। अरे कहा तू कहां जाएगा, हिंसक पशु हैं, सांप हैं, पता नहीं कौन कौन आवे ये खा जाएगा, अरे जल्दी भाग, शेर आया। नारद जी कह के खुद पेड़ पे चढ़ने लगे और ध्रुव चुपचाप खड़ा है। अरे बता तुम्हें डरना लग रहा है? बोला नारद जी उस व्यक्ति को तो भगवान का भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार भी नहीं है जो किसी भय से भयभीत हो। मैं भयभीत हूं तो हरि को पाऊंगा कैसे, इसलिए चुपचाप खड़ा हूं महाराज, जो आना यहीं आ जाए, शेर फेर देख लेते हैं। तो ही नारद जी को कहा, नारद जी अब बहुत बकबक हो गया, अगर आपके गुरुत्व में कोई कमी ना आए और मैं उम्र हमारी ज्यादा कम ना हो तो क्या कोई मंत्र दे दोगे जिससे हरि जल्दी मिल जाएंगे? अगर गुरुत्व में कमी ना आए तब, ऐसा ना हो ए 5 वर्ष के बच्चा बच्ची को हम थोड़ी दीक्षा देते हैं, हम बड़े बड़े राजाओं को दीक्षा देते हैं, अगर महाराज थोड़ी बहुत कृपा हो तो दे दो। तो नारद जी ने गले लगा दिया कि तेरे जैसा शिष्य मुझे मिलेगा भी कहाँ। और वो लेकर के महाराज कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ज्यों ही ये दिव्य मंत्र ध्रुव के कानों में दिया नारद जी ने, और अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर और गुरुदेव से विधान लेकर 6 महीने में जो तपस्या करी ध्रुव ने, जो तपस्या करी दिव्याति दिव्य भाव से ध्रुव ने जाकर तपस्या की,
हरि आ गए, हरि का दर्शन हुआ। अब ध्रुव ने मांगा क्या, या अब बाकी कथा ठीक है, वो आ गए बैठ गए। योन्तः प्रविश्य मम वाच में वाम प्रसुप्ताम, वो बढ़िया बढ़िया श्लोक आप पढ़ लीजिए। लेकिन हुआ क्या, ध्रुव ने मांगा वरदान, मांगा मुझे वरदान दे दो, क्या चाहिए, बोला 24/7 NDTV। बोला NDTV? बोला हाँ। बोला महाराज ऐसा चीज दे दो कि 24 घंटे और सातों दिन हम सत्संग में रहें, उन्मत्त रहें, सत्संग से दूर न रहें। बोला दुनिया में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी हमें, बीच बीच में आंवला का पेड़ आ ही जाएगा, बीच बीच में निंदा रस घुस ही जाएगा। महाराज कितना भी सत्संग हो पर निंदा रस घुस जाएगा। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, हम जा रहे थे मुंबई, और हम गए गाड़ी से ही जा रहे थे, 7-8 गाड़ियां थी साथ में। हमने कहा सब गाड़ी में केवल हरि चर्चा होगी, कितनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं देखते हैं। और हमने महाराज एक एक बिठा दिया था सबको रॉ की तरह बीच में, तो पता लिया, बोला 3 मिनट में खत्म, 4 मिनट में हरि चर्चा। हमने कहा आश्रम में जो कुछ गड़बड़ी हो रहा है और किसके किसके कारण हो रहा है उसकी खूब चर्चा हो, मुंबई पहुंच गए खत्म नहीं हुआ। ऐसी निंदा रचढ़ी, ऐसी निंदा चढ़ी कि पूरा मुंबई पहुंच गए महाराज, बखिया उधेड़ दिया एक दूसरे का लोगों ने। और मजे की बात, जिस गाड़ी में जो नहीं है उसकी बखिया उधेड़ रहे थे, आगे वाला पीछे की, पीछे वाला आगे की, और खूब इतना बढ़िया रास्ता कटा। हमारे पास पैसा कुछ कम था, हम सोचे रास्ते में खिलाना ना पड़े, तो ऐसा निंदा में झोंके कि मुंबई पहुंच गए, खाने को भी याद नहीं पड़ो महाराज। निंदा रस इतना प्यारा रस है महाराज, आदमी खाना पीना भूल जाता है। और वही हरी चर्चा करने के लिए कह दो भक्ति, थोड़ा सोच समझ के थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत जीवन को बांट दो और देख लो कि भक्ति को कितना समय दिए और बाकी को कितना समय दिए। ईमानदार हो तो एक बार देख लो, कैलकुलेशन कर लो। अगर खुद के प्रति ईमानदार हो तो कैलकुलेट कर लो। जो लोग तुम्हें कहते हो अरे भाई भक्ति थोड़ा बहुत, भक्ति ठीक है थोड़ा नहीं, कहते क्या है, थोड़ा परिवार वगैरह भी देखो, भक्ति ये करोगे अगर वो आदमी जोड़ ले तो मुश्किल से भक्ति में इतना समय उसका होगा, सारा समय उसका संसार में है। पर वाहरे संसार वाले मंथरा, वाहरे शकुनी, वाहरे युधाजीत, ये सब क्या कहते हैं, भैया भक्ति मत करते रहो, थोड़ा बहुत परिवारों देखो, तो थोड़ा बहुत दे दीजिए टाइम, पूरा 70 साल कैलकुलेट कर लीजिए, बचपन से बता दीजिए उनको कि कितना कितना इनको दिया और कितना मैंने भक्ति में दिया। सबका मुंह बंद हो जाएगा, किसी का मुंह खुलेगा नहीं फिर कि भक्ति में कितना दिया। तो हम तो चुपचाप लोग हैं, समझते नहीं, बस जो जो कुछ बोल दिया उसको सुन लेते हैं। ध्रुव की चर्चा हो गई, यही मांगा है ध्रुव ने कि हे प्रभु मुझे 24 घंटे मिलते रहें सत्संग। भैया ब्रह्मा ने सृष्टि की, ब्रह्मा ने बाकी चीजें बनाई, पर यह लोक साक्षात ठाकुर जी ने स्वयं बनाया, ध्रुव लोक, ध्रुव के लिए, जहां सप्तऋषि से घिरे हुए ध्रुव निरंतर सत्संग का आस्वादन करते रहते हैं। भगवान हम सब पर कृपा करें।